देश के बेरोजगार युवाओं को हर महीने छह हजार रुपए दे रही है भारत सरकार आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भारत सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को हर महीने छ हजार का भत्ता दे रही है आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई तरह तरह के योजनाएं चलाती है ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके और वो आसानी से अपना जीवन गुजार सके देश में इन दिनों बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मुद्दा है इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भारत सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को हर महीने छह हजार रुपए का भत्ता दे रही है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये मैसेज देश के करोड़ों युवाओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी संवेदनशील है हालांकि भारत सरकार द्वारा इस तरह की योजना को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है लिहाजा इस वायरल मैसेज की जांच पड़ताल काफ़ी जरूरी हो रही है मामले को गंभीरता को देखते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज की जांच पड़ताल की है और सारा सच सामने ला कर रख दिया है बता दें आपको कि पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी जांच में पाया है कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी माना जा रहा है पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी जांच पड़ताल पूरी करने के बाद बताया है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना नाम की कोई योजना नहीं चला रही है जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने छः हज़ार का भत्ता दिया जाएगा बता दें आपको कि पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर कहा है कि ये मैसेज फर्जी है और भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है पीआईबी फैक्ट चेक ने आम लोगों से अपील की है कि वो ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें और कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई वायरल मैसेज आया है तो उसके लिंक को खोलकर उसमें अपने डिटेल को रजिस्टर ना करें क्योंकि अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है या फिर अगर आपको ऑप्शन रजिस्टर्ड करने के बाद अगर आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने पेटीएम नंबर गूगल पे नंबर फ़ोनपे नंबर या फिर बैंक अकाउंट उसमें डालें आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर ऐसा कोई मैसेज आप लोगों को भी व्हाट्सएप पर आया है तो कृपया करके उसको फॉरवर्ड ना करें उसके लिंक को ना खोलें और उसमें रजिस्टर्ड ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ़ोन आपके बैंक अकाउंट जो है वो भी हैक हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी योजना नहीं चलाया है तो कृपया करके इस फेक मैसेज को वायरल ना करें और उसको ना खोलें